हेलो फ्रेंड्स, दिस इज कुलदीप एंड यू आर वाचिंग स्टडी सेंटर। स्टडी सेंटर के इस लेक्चर में आज हम बात करेंगे इंडिया रशिया के रिलेशनशिप के बारे में। मेजरली फोकस होगा हमारे डिफेंस टाइज के बारे में, बिकॉज इंडिया के डिफेंस मिनिस्टर मिस्टर राजनाथ सिंह रशिया की 3 दिन की विजिट के लिए गए हैं। सो इस लेक्चर में हम बात करेंगे टॉक अबाउट इंडिया रशिया के ओवरऑल रिलेशन में, जिसमें हम मेनली फोकस होगा डिफेंस टाइज के बारे में। देन इंडिया और रशिया के डिफेंस ट्रेड के बीच में, इंडिया रशिया डिफेंस ट्रेड एंड उसके रिलेटेड एस्पेक्ट्स के बारे में, एंड रीजन फॉर डिक्लाइनिंग डिफेंस ट्रेड, एंड इंडिया और रशिया के बीच में जो ट्रेड था डिफेंस ट्रेड वो कैसे क्यों डिक्लाइन, उसके रीजन के बारे में बात करेंगे। देन उनके बीच में जो रीजन उसके बारे में, देन रिसेंट डेवलपमेंट्स आर बिटवीन बोथ कंट्रीज, जो अभी के हाल फिलहाल में जो नई डेवलपमेंट हुई इन दोनों के कंट्रीज के बीच में, तो उसके बारे में हम बात करेंगे। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब द स्टडी सेंटर एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स। ये द हिंदू न्यूज़पेपर का कटआउट है। इस न्यूज़पेपर के कटआउट में लिखा है कि राजनाथ सिंह लीव्स फॉर 3 डे विजिट टू रशिया, बिकॉज रशिया में 75th एनिवर्सरी ऑफ विक्ट्री डे परेड की जा रही थी, तो उसमें रशिया की मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने मिस्टर राजनाथ सिंह जो कि हमारे डिफेंस मिनिस्टर हैं उनको इन्वाइट किया था। सो इस विजिट पर राजनाथ सिंह जो हमारे डिफेंस मिनिस्टर, उन्होंने बोला कि रिलेशन बिटवीन इंडिया एंड रशिया आर वन ऑफ द स्पेशल एंड प्रिविलेज स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है। उन्होंने बोला कि इंडिया और रशिया की जो पार्टनरशिप है वो काफ़ी स्पेशल है और प्रिविलेज स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है, एंड द ऑनगोइंग मिलिट्री कॉन्टेक्ट, जो ऑनगोइंग मिलिट्री कॉन्टेक्ट है बिटवीन टू साइड्स विल बी मेंटेन, वो काफ़ी मेंटेन है और काफ़ी कम समय में काफ़ी आगे बढ़े हैं। शॉर्ट एंड इन शॉर्ट टाइम टेकन फॉरवर्ड देन सिंस द, ये हमने बात कर ली कि मॉस्को में 3 दिन के विजिट के लिए गए थे बिकॉज ऑफ 75th एनिवर्सरी ऑफ विक्ट्री डे परेड। सो ये विजिट हमारे डिफेंस मिनिस्टर की पहली आफ्टर COVID-19 पेंडेमिक पहली विजिट, फॉरेन विजिट थी। सो इंडिया रशिया के रिलेशन, इंडिया रशिया हैज़ ए हिस्टोरिक रिलेशनशिप विद रशिया स्पेंडिंग ओवर 7 decades। 7 decade में उनकी 70 सालों से ज़्यादा का काफ़ी पुराना रिलेशन है। वाइल द रिलेशनशिप ऑन ग्रोन सम एरियाज ऑन एस्टोफाइड इन सम अदर्स, स्ट्रॉन्गर पिलर ऑफ द स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप इज द डिफेंस बास्केट। इंडिया रशिया के रिलेशनशिप में मेनली फोकस या मेनली जो स्ट्रॉन्गेस्ट पिलर है वो है डिफेंस टाइज या डिफेंस बास्केट जिसको हम बोलते हैं, बिकॉज इंडिया काफ़ी सारा डिफेंस प्रोक्योरमेंट रशिया के थ्रू करता है या रशिया से काफ़ी ज़्यादा इसमें रशिया का काफ़ी बड़ा चंक है, बिकॉज एस्टिमेट किया जाता है कि रशिया का इंडिया को 60-70% का जो एरिया चंक है वो रशिया ही पे करता है इंडिया को। इंडिया सप्लाई आर फ्रॉम रशिया। ऑल्दो न्यू दिल्ली कंसाइज डावस इट्स न्यू परचेज फ्रॉम अदर कंट्री, इंडिया अपनी डिफेंस प्रोक्योरमेंट पॉलिसीज को डाइवर्सिफाइड कर रही है बिकॉज बल्क ऑफ इट्स डिफेंस इक्विपमेंट फ्रॉम रशिया। काफ़ी एक कंट्रीज का एक मोनोप्ली नहीं होना, और इसका अदर भी रीजन, बिकॉज इंडिया हैज़ मेड दिस डिसीजन टू रीच आउट इट वैसे नॉट जस्ट टू ऑफ चॉइस, अपनी चॉइस से नहीं कर बट ऑल्सो नेसेसिटी, बिकॉज एक जरूरत बन गई थी, बिकॉज इट बिलीव दैट मॉस्को हैज़ लीवरेज एंड इन्फ्लुएंस टू शेप एंड चेंज बीजिंग हार्ड अंडरस्टैंड ऑफ बॉर्डर इशूज। आज के टाइम में या कुछ साल से रशिया चाइना की तरफ थोड़ा टिल्टेड या उससे इन्फ्लुएंस होता जा रहा था, सो इंडिया को अपनी डिफेंस प्रोक्योरमेंट पॉलिसीज को थोड़ा डाइवर्सिफाइड करना था और अदर कंट्रीज की तरफ या अदर कंट्रीज से और उनकी तरफ जाना था। सो आगे इसको ड्रेस में देखते हैं, रशिया टिल कमांड 58% ऑफ टोटल आर्म्स इम्पोर्ट बाई इंडिया। रशिया इंडिया का 58% पार्ट्स को कैरी करता था या उसको इम्पोर्ट करता था, फॉलोड बाई इज़राइल एंड यूएस, इसको फॉलो करते इज़राइल यूएस जिसको 15% और 12% रेस्पेक्टली मिलता था। द मिलिट्री टेक्निकल कॉपरेशन डेट इंक्लूड ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी एंड जॉइंट प्रोडक्शन इज़ ए यूनिक रिलेशनशिप डेट इज़ एक्सट्रीमली वैल्यूएबल टू इंडिया। जो मिलिट्री टेक्निकल कॉपरेशन उसमें सबसे उसका मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट होता है ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी एंड जॉइंट प्रोडक्शन, बिकॉज ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी होगा तो वो उस वेपन को या उस जो भी हेलीकॉप्टर या उस प्लेन को इंडिया खुद बना सकता है, खुद मैन्युफैक्चर करता कर सकता है। सो
उसमें ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी और जॉइंट प्रोडक्शन का काफ़ी मेन रोल होता है। इसका एक एग्जांपल है ब्रह्मोस। ब्रह्मोस इंडिया में ही मैन्युफैक्चर की गई थी रशिया के साथ, उसमें ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी यूज हुई थी, देन जॉइंट प्रोडक्शन भी हुई जिसमें ब्रह्मोस में ब्रह्म मीन्स ब्रह्मपुत्र, मोस मीन उनकी मॉस्को उनकी रिवर का नाम। सो बट इसके अलावा सॉरी हाँ बट सेवरल फैक्टर हैव बीन आइडेंटिफाइड फॉर द ग्रेजुअल डेक्लाइन इन द ऑर्डर ऑफ इंडिया रशिया फ्रॉम रशिया। काफ़ी सारे ऐसे फैक्टर वर्क किए गए हैं जो इंडिया रशिया के रिलेशन को थोड़ा डिक्लाइन करते हैं। इंडिया डिजायर टू डाइवर्सिफाई इट डिफेंस इम्पोर्ट एंड देयर फॉर जो इंडिया का जो डिफेंस प्रोक्योरमेंट पॉलिसीज को थोड़ा डाइवर्सिफाई करना है, इसके ये करना था वो थोड़ा डिसिप्लिन इंडिया को इस वजह से किया है क्योंकि जो पोस्ट सेल सर्विस जो दी जा रही थी रशिया के द्वारा वो और जो मेंटेनेंस वो काफ़ी हाई कॉस्ट था, वो रशिया इसका काफ़ी हाई कॉस्ट चार्ज करता था जो रशिया के द्वारा दी जा रही थी। देन मोर एवर इंडिया हैज ऑल्सो कंसर्न इन पास रिगार्डिंग सप्लाई एंड सर्विसिंग और डिफेंस सप्लाईज, इनको काफ़ी चीज़ों को दिमाग में या उनको कंसर्न लेके चलता। सम ऑफ दीज इंक्लूड हैव ए 5-year डिले। उनमें से एक मेन एग्जांपल है कि INS जो हमारा एयरक्राफ्ट कैरियर है जो कि INS विक्रमादित्य जिसको एडमिरल गोर्शकोव बोलते हैं, उसकी डिलीवरी देने में 5 साल का डिले लगा और उस 5 साल के डिले का इंडिया को चार्ज देना पड़ा 974 मिलियन के बजाय $2.3 बिलियन हमें पे करना पड़ा, लगभग 3 times ऑफ द पेमेंट। सो ये एक बड़ा एग्जाम्पल है डिले का या जो पास रिगार्डिंग सप्लाई एंड सर्विस ऑफ डिफेंस सप्लाईज है। सो इंडिया वॉज ऑल्सो डिसप्लेस बाई हाई कॉस्ट एंड लो क्वान्टिटी ऑफ स्पेयर पार्ट्स ऑफ वेपनरी इम्पोर्टेड फ्रॉम रशिया इन द पास। देन वाई रशिया टू डू दिस, ऐसा रशिया क्यों कर रहा था? बिकॉज उसके भी काफ़ी रीज़न है। एक तो मेन है कि चाइना की तरफ थोड़ा टिल्टेड होना या उससे इन्फ्लुएंस होना, एंड देन चाइना की रशिया में के अंदर $1 बिलियन की इन्वेस्टमेंट होना, फिर इसके बाद रशिया ने क्रीमिया को हथियाने के बाद काफ़ी सारे सैंक्शन USA के द्वारा अदर यूरोपियन कंट्रीज़ के द्वारा रशिया पर सैंक्शन लगाना, इसकी वजह से रशिया की इकनॉमी का स्लो डाउन में चले जाने, वो भी एक बड़ा फैक्टर काम करता है कि उसके पास और कोई ऑप्शन ना होने के बजाय वो चाइना की तरफ थोड़ा टिल्टेड हो जाना। सो दीज आर सम रीज़न टू टिल्टेड या इन्फ्लुएंस बाय चाइना। और वर्ल्ड ऑर्डर में भी रशिया के खिलाफ ही चीज़ें ही हो रही थी कि दैट इज़ देर इज़ अनऑफिशियली 2 groups इन वर्ल्ड फॉरेन पॉलिसीज। इन वर्ल्ड फॉरेन पॉलिसीज में 2 groups थे जो कि अनऑफिशियली बोले जाएंगे। एक ग्रुप को हेड कर रहा था USA, देन सेकेंड वन इज हेडेड बाई चाइना, एंड दिस टाइम नेम जो कि नॉन अलाइन मूवमेंट है वो इस ग्लोबल जो आज की जो ग्लोबल कंडीशन के लिए वो बिल्कुल भी सूट नहीं कर रहा था। एंड मोस्ट ऑफ द टाइम इंडिया टिल्टेड टुवर्ड सपोर्ट टू वेस्टर्न कंट्रीज एंड USA बिकॉज इंडिया ने USA के प्रेशर में आकर ईरान से अपना ट्रेड कम किया, पेट्रोलियम जो ऑयल क्रूड ऑयल कोई बाइंग को भी बिल्कुल जीरो ला दिया था। सो बट ये इंडिया का वेस्टर्न और अदर कंट्रीज प्लस USA के साथ ट्रेडेड होना सो किया जाता। बट समटाइम्स इंडिया एक्ट लाइक ए न्यूट्रल, लेकिन कभी कभार इंडिया एज ए न्यूट्रल भी देख सो करता है। लाइक S-400 डील। इस S-400 डील में इंडिया USA के खिलाफ जाकर रशिया से S-400 डील प्रोक्योर करता है। ये न्यूज़ कटिंग है, उसमें बोला है कि इंडिया US साइन कॉमकोसा, इस USA वाले ग्रुप में इंडिया का ज्वाइन आने का एक मेन रीज़न ये भी है कि इंडिया ने US के साथ कॉमकोसा साइन कर लिया। इस कॉमकोसा में एक कॉमकोसा 1 of the 3 फाउंडेशन एग्रीमेंट है, इसके अलावा 2 हैं जिनको लेमोआ प्लस बेका बोला गया, बिकॉज इसकी हेल्प से दोनों देशों की मिलिट्री एक हाई एंड क्रिप्टेड कम्युनिकेशन और सैटेलाइट डेटा को शेयर कर सकती है।
इसमें से इंडिया ने लेमुआ को साइन कर चुका है, ऑलरेडी साइन कर चुका है, और कोमकोसा को भी साइन कर लिया है। सो इंडिया और यूएसए की मिलिट्रीज की डिफेंस टाइज भी काफ़ी डीप होते जा रहे थे इन कंपेयर रशिया। सो ये भी काफ़ी मेजर रोल प्ले करता है इंडिया रशिया की डिफेंस टाइज को थोड़ा उनमें डिक्लाइन लाने के लिए। सो अब जो रिसेंट डेवलपमेंट हो रही है इंडिया और रशिया के रिलेशन में, दो एमओयू साइन किए हैं ड्यूरिंग द फिफ्थ इंडिया रशिया मिलिट्री इंडस्ट्री कॉन्फ्रेंस जो हुई थी लखनऊ में, डिफेंस एक्सपो जो कि लखनऊ में हुआ था, उसमें एमओयू साइन किए थे। इसके अंतर्गत इंटर गवर्नमेंट एग्रीमेंट में जॉइंट मैन्युफैक्चरिंग की जाएगी। इस जॉइंट मैन्युफैक्चरिंग में अमेठी में AK-203 असॉल्ट राइफल को अमेठी में एज ए जॉइंट वेंचर के साथ दोनों कंट्री इस AK-203 को अमेठी में मैन्युफैक्चर करेगी। और इसके अलावा इंडिया ने रशिया को $1 बिलियन का लोन प्रोवाइड किया है फॉर रशिया के फार ईस्ट रीजन जो कि व्लादिवोस्तोक को डेवलप करने के लिए, और इस लोन को एज ए लाइन ऑफ क्रेडिट के रूप में दिया गया ताकि इससे रशिया के ऊपर इंटरेस्ट पेड करने का कोई ज़्यादा प्रेशर ना हो। बट ये जो लोन है वो चाइना के सामने काफ़ी छोटे मालूम पड़ते हैं बिकॉज चाइना इज लाइक ए बिग इकोनॉमी इन कंपेयर ऑफ इंडिया। देन चाइना और रशिया के बीच में कुछ मिलिट्रीज एक्सरसाइज भी हैं, सॉरी जिसमें से एक है इंदिरा। इस इंदिरा मिलिट्री एक्सरसाइज को इंदिरा और रशिया के नाम पर ही रखा गया। ये लास्ट ईयर 2019 में भी हुई थी, जिसको ट्राई सर्विस एक्सरसाइज बोलते हैं, जो कि लास्ट ईयर पुणे और गोवा के रीजन में हुई थी। देन एक और एक्सरसाइज, इसको टी सेंटर बोलते हैं। इस टी सेंटर एक्सरसाइज में दोनों इंडिया पाकिस्तान की आर्मी इसको पार्टिसिपेट करती है। इस एक्सरसाइज में रशिया मेनली ड्रिल अपनी आर्मी के साथ ड्रिल्स करता है जो लास्ट ईयर जो हुई थी, और इस एक्सरसाइज में इंडिया पाकिस्तान दोनों की आर्मी ने पार्टिसिपेट किया था। सो आज के लेक्चर में बस इतना ही, मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू, धन्यवाद।